हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो प्यारा होगा ही। बोला गया है द एजिस ऑफ हैरी, हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। बोला गया है एक लड़का है हरी और एक उसका कोई फ्रेंड है जो भी है वो है हैरी। इन दोनों की जो हमको रेशियो दी है ना वो दी है 5:7। अब कुछ बच्चे कहेंगे बोला रेशियो है आपने तो फ्रैक्शन में लिख दिया। तो बच्चों 5:7 लिखें या 5/7 लिखें दोनों का मतलब एक ही है। जनरली जो हमारा रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिजिट्स, टू नंबर, कुछ भी दो चीजों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं उसी को रेशियो बोलते हैं। तो 5:7 को हम अपॉन 5/7 भी लिख देंगे। चलिए वैसे इसका इतना ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, हमें कहा है 5:7 है, सबसे पहले हरी का नाम है तो 5 किसकी होगी, हरी की, और बाद में हैरी है तो बाद वाला हैरी होगा। 5:7 है तो हमको मालूम है जैसा पहले करते आए हैं अभी भी वही करेंगे, 5 है तो ये 5x हो जाएगा और ये 7 है तो हम कॉमन रेशियो x मान लेते हैं 5x 7x। तो लिखना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज क्या हो जाएगी हमारी 5x। 5x क्यों हुआ, क्योंकि 5:7 दिया है और 5 पहले हरी है तो पहले वाला ये होगा। सेम सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हैरी इज 7x। समझ में आई बात, 5x 7x। आगे पढ़ते हैं, 4 years फ्रॉम नाउ आज से 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। क्वेश्चन में बोला गया है 4 years फ्रॉम नाउ आज से 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, तो 4 years आफ्टर क्या होगा, अगर आज हरी हमारा 5x का है तो 4 साल बाद कितने का होगा, +4 कर दो भाई, अगर आज आप 10 के हो तो आज से 4 ईयर बाद 14 के हो जाओगे वही, और हैरी कितना हो जाएगा हमारा 7x+4। और हमें बोला है 4 साल बाद इनकी रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, 3:4 के, मतलब 3/4 के, क्योंकि अभी बताया था रेशियो को फ्रैक्शन में इस तरह लिखते हैं। क्वेश्चन सिमिलर है, प्रेजेंट एज 5x थी तो 4 साल बाद 5x+4 हो जाएगी, रेशियो दिया इसलिए हमने अपॉन का साइन लगाया, ये 7x+4 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है 4 साल बाद इनकी रेशियो ये हो जाएगी, तो बताओ फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। वही आ गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, आंसर लेके अपने घर को जाओ। और अगर इस तरह का हमको फ्रैक्शन दिखता है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन दिखती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन किए इससे, क्योंकि ये 4 डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 5x+4 इज इक्वल टू 3, ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलो, 4 5 20x प्लस का साइन, 4 4 16 इज इक्वल टू 7 3 37 कुछ भी बोल दो 21x प्लस का साइन, 4 3 12। नेक्स्ट स्टेप है सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखना, ये 21 यहां प्लस का है यहां पर आकर माइनस का हो जाएगा, ये 16 यहां पर प्लस का है इस तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x-21x इज इक्वल टू +12 और ये +16 हो जाएगा -16। तो प्लस देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 21 से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो x, लेकिन साइन बड़े का, -x इज इक्वल टू सिमिलर थिंग, प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 16 से 12 माइनस करो 4, साइन बड़े का माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, पर हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें फाइंड द प्रेजेंट एजेस निकालनी है। प्रेजेंट एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, हरी कितना था 5x, बोले तो 5x की वैल्यू क्या आ गई 4, 5 4 20 ईयर, 20 साल का था ये बच्चा नहीं है, इज इक्वल टू हैरी कितना है 7x, मतलब x की वैल्यू पुट कर दो 4, मतलब 28 ईयर, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट, हैरी 20 ईयर्स, हैरी 28 ईयर्स, क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक बात बताता हूं आपको, पेपर में बस यहीं तक करना है,
अब हम कैसे चेक करें पेपर में क्वेश्चन सही है? भाई प्रेजेंटेज क्या आ गई 20 और 28, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इनकी रेशियो हमको दी है किसके बराबर, 5 अप रेशियो 7 के बराबर। इनको लोएस्ट करके देख लो, अगर दोनों सेम में जाते हैं तो क्वेश्चन सही है। 5 ये 4 के टेबल्स कटेगा, 4 5 जा 4 7 जा, देखिए 5/7 = 5/7, क्वेश्चन आपका सही है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।